बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्तेजी गांव के दामोदर नदी किनारे अवैध चुलाई शराब के अड्डे को आबकारी विभाग के द्वारा ध्वस्त किया गया, जहां से अवैध चुलाई शराब 230 लीटर और जावा महुआ जब्त किया गया और अवैध फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया है। इस अवैध चुलाई शराब के अड्डे का संचालक छोटू वर्णवाल पुलिस और आबकारी विभाग को देखते ही मौके पर फरार हो गए। वहीं आबकारी विभाग द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। बोकारो के निर्देशानुसार हरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वास्तेजी गांव में जो दामोदर नदी किनारे पड़ता है, वहां पे अवैध चुलाई शराब का अड्डा को ध्वस्त किया गया है, जिसमें करीब करीब 230 लीटर जावा महुआ को जब्त किया गया है और करीब 9800 केजी जो है तो जावा महुआ को विखंडित किया गया है। इसमें जो संलिप्त व्यक्ति उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है तथा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संलिप्त जो व्यक्ति है उनका नाम है छोटू वर्णवाल जी, पूर्व में भी उनके द्वारा कारोबार में रहा भागीदारी और विभाग के द्वारा भी पूर्व में इनके विरुद्ध जो है केस दर्ज किया गया। कानून के रूप से जो हम लोग कठोरतम कार्रवाई हो सकता है हम लोग वो करते हैं और हम लोग सफारी अभियान है निरंतर जारी रहे। हम लोग द्वारा जैसे सूचना प्राप्त होता है हम लोग जा करके तो अभियोग दर्ज करते हैं और अड्डा को ध्वस्त करते हैं।